एंकर हूं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं रिपोर्टर भी हूं, मैं पॉलिटिकल बीट कवर करता हूं। हमारे लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा में, भाषा पर पकड़। मैं हिंदी न्यूज एंकर हूं तो मेरी भाषा पर पकड़ मैं कोशिश करता हूं, रोज सीखता हूं कि बहुत अच्छी हूं। इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, लेकिन उस पर मेरी बहुत मजबूत पकड़ नहीं है। ठीक है, जानता हूं, अच्छा डिक्शन है, बोल सकता हूं। मैं हिंदी न्यूज एंकर हूं इसलिए मेरी हिंदी भाषा पर पकड़ है। लेकिन आजकल भाषा से ज्यादा आगे बात निकल चुकी है, भाषा प्रायोरिटी नहीं रह गई है मीडिया में, भाषा प्रायोरिटी नहीं रह गई है मीडिया में। आजकल लेआउट इंपॉर्टेंट है, जो प्रिंट में है वो बताएंगे, आजकल विजुअल्स इंपॉर्टेंट है, आजकल ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन मीडिया हीरोइज्म को बेचता है, जो जो बिके, जो आप एकदम से रुक जाए, जो आप देखें कि हाँ ये क्या हो क्या रहा है, हीरोइज्म को बेचता है। तो जब भाषा प्रायोरिटी ही नहीं है तो फिर भाषा गिर रही है, भाषा का स्तर क्या है, इन सब चीजों पर बहस मेरे ख्याल से बेमानी है। आज के समय में भी बहुत पत्रकार हैं जो इस तरह की बात करते हैं, मगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मगर पता है गलती दोनों तरफ से है। मैं सिर्फ एक पक्ष नहीं लूंगा, दूसरा तरफ भी पक्ष लूंगा। अगर एक सामान्य तरीके से तटस्थ खबरों को लिखा जाए तो उसका वही हाल होता है जो आज दूरदर्शन का है। सॉरी टू से, शाम को है कोई खबर देखता है तो है, हमको क्या, ठीक है। खबर आज क्या मुफ्त पानी मिलेगा, खबर इसमें गलत नहीं है, दिस इज नॉट सेंसेशनलाइजेशन भाई, यही है। मीटिंग शाम को हो रही है जिसमें सबसे ज्यादा जनता का सरोकार इससे है कि क्या पानी को लेकर फैसला होगा, ठीक है। अगर हम खबर इस तरह से दिखा रहे, कोई भी चैनल या कुछ भी दिखा रहा है, अगर फैक्चुअली गलत नहीं है, उसको दिखाने का तरीका है, यू नो टू कैच योर आईबॉल्स। आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ते हैं, देखते हैं, अगर कुछ अच्छा होगा, मोदी इज यू टर्न, आप रुकते हैं ना, हुआ क्या है। अगर होगा कि आज क्या मुफ्त पानी मिलेगा, आज क्या मुफ्त पानी मिलेगा, आप एकदम से रुकते हैं, क्या है, क्या खबर, क्या है, फिर आप सोचते हैं, फिर आप खबर देखते हैं, यू नो टू कैच योर आईबॉल्स। एक बार आपको रोकने के लिए, टिल द टाइम द रिपोर्ट इज नॉट फैक्चुअली रॉन्ग, इट्स नॉट अभद्र नहीं है, अश्लील नहीं है, गलत शब्द नहीं है, अश्लील भाषा का प्रयोग, ये तमाम चीजें अगर हैं तो गलत है, तो वो सेंसेशनलाइजेशन है, वो चीज स्वीकार्य नहीं है। मैं भी पत्रकार हूं, मैं भी जिम्मेदारी समझता हूं। अगर मैं, क्योंकि मैं जानता हूं, अगर मैं कुछ बोलता हूं, आज मैं आपसे अगर पूछता यहां पर, मोदी ने यूटर्न लिया क्या, आप सभी कहते हैं हाँ लिया तो है, क्यों लिया ये कोई नहीं बता पाता। तो मैं इंपैक्ट जानता हूं, जिसका सर्वे भी जिक्र कर रहे थे कि आपके सोचने का तरीका, किस तरह से सोचते हैं आप लोग, ये तमाम चीजें मीडिया तय करता है। कुछ एक और तरफ लेकर चलते हैं इस डिबेट को। पहले जब कवरेज होती थी तो लैंग्वेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, टिल द टाइम यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, है ना, जिससे सब ठीक बोल रहा हूं, टिल द टाइम यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। आज सुबह खबर आई थी, आपने इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ा हो, उसमें खबर है कि अरविंद केजरीवाल, सुनिए मैं खबर को, मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉल किया इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट को, बात पढ़ा किसी ने आज इंडियन एक्सप्रेस, चलिए सुनिए। अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी ने कॉल किया इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर को, उनसे उन्होंने पूछा कि आपने एक स्टोरी की है आम आदमी पार्टी को लेकर, दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, और वो फोन आम आदमी पार्टी ने टैप बेसिकली रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि रिपोर्टर से बात हुई, रिपोर्टर ने कहा फैक्चुअली रॉन्ग है, योगेंद्र यादव ने बताया था, आम आदमी पार्टी के एक लीडर है। जब ये खबर आज सुबह हमारे पास आई, आज सुबह के बुलेटिन में अभी भी करके आया हूं, तो सुबह जब ये खबर हमारे पास आई तो सेंसेशनलाइजेशन क्या नहीं है और क्या है ये समझा रहा हूं। अगर मैं खबर इस तरह से दिखाई जाती कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के पीएस ने रिपोर्टर को फोन किया, कोई देखता आप में से खबर, कोई देखता, आप अरविंद केजरीवाल के पीएस ने फोन किया एक रिपोर्टर को, कोई देखता। खबर इस तरह से चलाई गई कि आपसी विवाद में आम आदमी पार्टी ने पत्रकार को भी नहीं बख्शा, तो इसमें क्या गलत है भाई। पत्रकार का फोन टैप किया गया, इसे कहते हैं न्यूज वैल्यू। आप लोगों ने जरूर समझा होगा न्यूज वैल्यू क्या है। उन्होंने फोन टैप किया, वो खबर दिखाई कि भाई योगेंद्र यादव को किस तरह से फंसाया जा सकता है, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, ये आप सभी जानते हैं। उसके अंदर पैक क्या था, न्यूज वैल्यू क्या थी,
न्यूज़ ये थी कि आम आदमी पार्टी ने फोन टैप किया, खबर ये थी ना, नंबर एक। दूसरा एग्जांपल समझिए, अमित शाह का इंटरव्यू हुआ था ब्लैक मनी को लेकर, जिस पर अमित शाह से एक सवाल पूछा गया था, एबीपी न्यूज ने ही वो सवाल पूछा था, वो खबर बनी थी कि वो 15 लाख रुपए अकाउंट में वापिस आ जाएंगे, वो क्या है, वो आ जाएंगे क्या? तो अमित शाह ने कहा वो तो जुमलेबाजी होती है, कहा था जुमलेबाजी होती है। तो अगर एबीपी न्यूज हेडलाइन चलाता, कोई और चैनल हेडलाइन चलाता कि नरेंद्र मोदी ने काला धन का वादा पूरा नहीं किया, कोई देखता कोई सुनता? क्या हेडलाइन चली, मोदी सरकार का यूटर्न, तो आदमी एकदम से रुक जाता है। यू नो, टू कैच योर आईबॉल्स, दिस इज नॉट सेंसेशनलाइजेशन, दिस सेंसेशनलाइजेशन इज नॉट बैड टिल द टाइम इट इज फैक्चुअली रॉन्ग। आरोपी शब्द का इस्तेमाल करते थे, इस तरह के आरोप लगे, अब वो भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे ये शब्द, अब ये चीजें कम। अच्छा, AIB का भी सर ने जिक्र किया था, उससे मुझे बहुत आपत्ति है, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं यहाँ पर अपनी बात रख सकता हूँ मेरे ख्याल से खुले तरीके से, मैं एबीपी न्यूज को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं अमन चोपड़ा एज एन एंकर, एज ए पर्सनल इंडिविजुअल अपनी बात रख रहा हूँ। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, अभद्र भाषा, अश्लीलता, गैर जिम्मेदाराना तरीके से खबरों को पेश करना, ये सब ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन वहीं खबरों को सही तरीके से, खबरों टू कैच योर आईबॉल्स, मैं बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों को कुछ दिक्कत कोई, आप रुकते हैं, हम जब एंकरिंग करते हैं यहाँ पर एक क्रोमा होता है, जब हम एंकरिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा होता है वर्चुअल पे, तो आप तो उसको देख कर भी रुकते हैं कि स्टोरी क्या चल रही है, उसको देख कर भी आप लोग रुकते हैं। तो खबरों को किस तरह से पेश किया जाए, उसका तरीका अगर सही हो और क्या पेश किया जाए, और इसके अलावा अगर उसमें नेगेटिव कुछ नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ भी आपत्ति मुझे नहीं है। लेकिन एक चीज आखिरी में मैं खत्म करूंगा, वैसे एक और रीजन मैं बताता हूँ, आजकल लाइव और सनसनी के चक्कर में ना भाषा पर से ध्यान चला गया लोगों का, जब भी कोई खबर आती है ना सबसे पहले ब्रेक करनी होती है, तो वो एक चैलेंज होता है कि ब्रेकिंग के दौरान जब आप खबर को ब्रेक करते हैं, मैं भी न्यूज एंकर हूं, मेरे पास कोई भी खबर ब्रेक होती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि बिना सेंसेशनलाइजेशन इज नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, आप टू कैच योर आईबॉल्स वी नीड टू गिव कैची हेडलाइंस, ठीक है? तो नेगेटिव सेंसेशनलाइजेशन अगर होता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि खबर को किस तरह से फैक्चुअली करेक्ट होते हुए नेगेटिव सेंसेशनलाइजेशन ना करते हुए, अश्लील भाषा और अभद्रता का भाषा का प्रयोग ना करते हुए किस तरह से खबर में आप तक पहुंचा दूं सही तरीके से, हो सकता है थोड़ा मसाला इनपुट हो ताकि आप लोग देखें कम से